हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई पीडीएफ फाइल है या कोई बुक से अगर आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं लेकिन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप उसमें क्लिक करके कुछ भी चीज़ें चेंजेस नहीं करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी कोई पीडीएफ फाइल है या बुक से अगर आप उसको चाहते हैं उसमें चेंजेस करना या कुछ चीज़ें हटाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार बिल्कुल फ्री में हटा सकते हैं वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी अपनी पीडीएफ है वो डेस्कटॉप पर आपको रख लेनी है जिसमें आपको चेंजेस करना है, और आपको यहाँ पर कोई भी अपना ब्राउजर है वो ओपन कर लेना। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर लॉग इन कर लेना। तो यहाँ पे हमारा जो जीमेल अकाउंट है हम लॉगिन कर लेते हैं, ये हमने अपना जीमेल अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल एप्स नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ड्राइव नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको गूगल ड्राइव है वो ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको जो आपकी पीडीएफ है वो गूगल ड्राइव में आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप से अपनी जो फाइल है उसको यहाँ से आपको चूज करना है और आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी फाइल है, जो हमारी पीडीएफ है वो यहाँ पे अपलोड हो रही है। आपकी भी जो भी फाइल है वो इस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमारी कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। अपलोड करने के बाद आपको जाना होगा माई ड्राइव में, जो आपकी फाइल है माई ड्राइव में अपलोड हुई है उसके अंदर जाने के बाद जो भी आपकी पीडीएफ है वो आपको ढूंढना है। तो ये हमारी पीडीएफ है, हमने अभी अपलोड की है। फिर आपको अपनी जो पीडीएफ फाइल है उस पर आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन विद का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर जाके फिर आपको यहाँ पे गूगल डॉक्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो गूगल डॉक्स के अंदर मतलब वर्ड टाइप ओपन हो जाएगी। इसमें ओपन करने के बाद आपकी जो फाइल है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। जितने भी आपके जो पीडीएफ के अंदर जितने भी आपने टाइप किए हुए हैं वो सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये लिख के दे देगा, टाइप करके देगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इन सबको कॉपी करना है आपको यहाँ से कॉपी करके, और आपको यहाँ पे एक एमएस वर्ड की आपको एक नई फाइल है वो आपको ले लेनी। जैसे यहाँ पे एमएस वर्ड हमने ओपन कर लिया और नई फाइल हमारे पास है, बस आपको जो फर्स्ट वाला पेज है उसको जैसे इसमें से कॉपी कर लेना सेलेक्ट करके, और कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे अपने वर्ड के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट कर लेना। इस प्रकार से आपको नया नया पेज लेके नीचे पेज और लेना है, और जो भी इसमें चीज़ें नीचे दी हुई है अगर आपको जो चाहिए वो वैसे ही रख लो, और जो हटानी है आप उसको हटा सकते हैं। बस आपको उसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से सेलेक्ट करके आप उसके अंदर लेके जाके कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए, और फिर आपको इनको एमएस वर्ड के अंदर आपको यहाँ पे इनको अरेंज करना है। वो तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं पूरा कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।